हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन रेसिपीज। तो ये रेशेदार एकदम सॉफ्ट कटहल जो मसाले में एकदम लतपत है, देखकर आपके मुंह में पानी तो डेफिनेटली आ गया होगा। भाई कटहल चीज़ ही ऐसी है, मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। आई एम श्योर आपको भी कटहल बहुत पसंद होगा, और अगर ऐसा ही है तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलिशियस, सिंपल, इजी सी टेस्टी रेसिपी कटहल बनाने की जो आज आपके साथ करूँगी शेयर। पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो कटहल बनाने का एक सबसे टफ पार्ट यही है कि कटहल को काट के तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले आप चॉपिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लें, हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें, और साथ साथ जिस नाइफ से आप कटहल काटेंगे उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लें। कटहल, जिसे हम इंग्लिश में जैक फ्रूट भी बोलते हैं, तो काटने में थोड़ा चिपचिपा रहता है ये, इसलिए सब चीज़ों को अच्छे से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हाथों में हल्की सी इचिंग भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है ये, तो चिपकने लगता है, काटने में फिर प्रॉब्लम आती है। सब चीज़ों को ग्रीस करने के बाद मैंने इसको दो भाग में इस तरीके से डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं बीच में कट लगा रही हूँ ताकि मैं इसके थिक वेजेस कट कर सकूँ, जिससे इसके पीसेस काटने में बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए, ये पहले मैंने दो थिक वेजेस कर लिए और उसको बीच में से डिवाइड करके चार वेजेस में इसको कट कर लिया है। आप चाहे तो ये अंदर का जो पोर्शन है हार्ड, इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सॉफ्ट है इस तरीके का तो आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस बाहर का जो स्किन, हार्ड पोर्शन है इसका, उसको आपको इस तरीके से काट लेना है नाइफ़ से, और फिर बस जो आपके पास कटहल आएगा उसको दो या तीन भाग में आप डिवाइड कर लें। तो सारा जो कटहल हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स कटहल का इस्तेमाल करा है अप्रॉक्सीमेटली इस रेसिपी के लिए। कटहल जो है आपका कच्चा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हल्की सी मिठास आ जाती है सब्ज़ी में, जो फिर बढ़िया नहीं लगती है, इसलिए रॉ कटहल का इस्तेमाल करें बनाने के लिए। 3-4 टेबलस्पून तेल को गरम करा है और उसके अंदर हम स्टर फ्राई करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम जो हमने कटहल काट कर तैयार करा है वो। इसको तब तक स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सुनहरा नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है और साथ साथ ये पार्शियली पक भी जाता है, और अलग से कटहल उबालने की फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम करके मैंने इसको इस तरीके से सुनहरा कर लिया है और कटहल के पीसेज एकदम बढ़िया नज़र आ रहे हैं इस तरीके से गोल्डन ब्राउन। बस जब इस तरीके से ये हो जाए तो आप इसको निकाल लें पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर, और जो बचा हुआ तेल है उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और उसको हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए, ज़ीरा हमारा हल्का सा तड़कने लग गया है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ में 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है हींग। तो ये जो हम फ्रेशली कट जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट ऐड करता है, स्पेशली इस तरीके के सूखे कटहल में। तो आप कोशिश करें कि इसी तरीके से फ्रेश कटे हुए अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें इस रेसिपी के लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की, बिल्कुल थिकली स्लाइस कर रखी है मैंने ये प्याज, थिक स्लाइसेस जैसे हम भिंडी में काट कर इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कटहल में। तो थिक आप प्याज को स्लाइसेस में कट करें, और उसके बाद इसको स्टर फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी हल्की ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। यहाँ पर प्याज को आपको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना है, बस इस तरीके से जैसे ही प्याज हल्की सी आपको पकी हुई नज़र आने लग जाए तब इसके अंदर आप डाल दें 2 मीडियम साइज़ के अच्छे लाल पके हुए रफली चॉप किए हुए टमाटर। अगर आपके टमाटर जो हैं थोड़े से पके हुए नहीं हैं, यानी कि हल्के से कच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, जिसमें खटास ज़्यादा होती है, तो आप इसमें अमचूर जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे वो स्किप कर दें। लाल टमाटर से देखने में भी लुक बहुत अच्छा आता है, सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और खटास नहीं आती है ज़्यादा सब्ज़ी में। बस अब जैसे ही हमने टमाटर को मिक्स कर लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट पका के इसके अंदर डाल दिया है कटहल को जो हमने फ्राई करके तैयार किया था वो, और अब ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच करके 5-7 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमको इसको पकाना है, जब तक हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़े से, और इस प्रोसेस में कटहल भी हमारा कम्प्लीटली पकता जाएगा। तो ये देखिए, 3-4 मिनट मैंने इसको पका लिया था, और उसके बाद अब इसको ढक्कन हटाकर हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए, टमाटर जो हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, जिसको स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा हमने कोई भी मसाला, इनफैक्ट नमक तक इसमें नहीं डाला है, पहले हम इसको अच्छे से भून कर तैयार करेंगे और उसके बाद ही मसाले डालें। सब्ज़ी में अक्सर ऐसा ही करें, जब भी सब्ज़ी बनाएं आखिर में मसाले डालें जब सब्ज़ी अच्छे से भून कर तैयार हो गई, क्योंकि मसाले डालने के बाद इतनी गुंजाइश नहीं रहती सब्ज़ी को भूनने की। तो ये देखिए, हमारी अच्छे से भून गई है, 3-4 मिनट पका लिया था, फिर से ढक्कन ढक दिया और 2-3 मिनट इसको और पका लेंगे। और अब हमारे टमाटर एकदम मशी नज़र आ रहे हैं और कटहल भी सॉफ्ट नज़र आ रहा है, लेकिन कटहल अभी जो हल्का सा
कसा रहे कटहल में वो भी आगे हम पूरी करेंगे जब इसको फिर से पकाएंगे ढक्कन ढक के थोड़ा सा और मसाले डालने के बाद। अब इसके अंदर डाल देते हैं नमक। और साथ में डालते हैं मसाले, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ, जिससे थोड़ी तीखापन भी कम रहा है और रंग भी अच्छा है। 1.5 चम्मच, साथ में 1.5 चम्मच जा रहा है इसमें धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें जा रहे हैं हल्दी, और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर। तो मसाले को अब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और सारा मसाला जब अच्छे से कोट हो जाए कटहल के पीसेस पर, तो इसको इसी तरीके से पहले हम 2-3 मिनट के करीब पका लेंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हमने 2-3 मिनट पकने दिया है अभी, और फ्लेम इस टाइम हमने रखी है धीमी। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको फिर से मिक्स कर देंगे। साथ ही में डाल देंगे हम इसमें ये 3-4 टीस्पून के करीब गरम मसाला भी, और बस फिर से ढक्कन ढक के अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मिनट, या जब तक कटहल बिल्कुल कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसको पका लें। बिल्कुल धीमी आंच करके हमने इसको ढक्कन ढक के पका लिया था। ये देखिए एकदम लाजवाब कटहल हमारा बनकर तैयार है, जिसको करेंगे अब गर्मा गर्म प्लेट आउट। तो आई एम श्योर कि देखने में ही समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके की रेसिपी ये बनकर आई होगी, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके का सूखा मसालेदार कटहल प्याज में जो लिपटा हुआ है वो पराठे के साथ रोटी के साथ कितना बढ़िया लगेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको कटहल खाकर दिखा रही हूँ, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कितना रेशेदार है ये, एकदम सॉफ्ट कटहल है। ये देखिए बिना हमने इसको उबाले पकाया और एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम टेंडर कटहल। कोई ज़रूरत नहीं है अलग से इसको उबाल कर अपना काम बढ़ाने की और इसको फिर पकाने की। ये देखिए एकदम रेशा एक एक अलग अलग और एकदम सॉफ्ट। और कटहल को बॉईल करने से उसके अंदर जो खिंचाव होता है वो भी चला जाता है। कटहल का मज़ा तभी है जब उसके अंदर रेशों में थोड़ा सा खिंचाव रहे। तो बस इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएं आप ये कटहल, और शेयर करें ये रेसिपी अपने लव्ड वंस के साथ भी। और अगर आप इसको बनाते हैं और आपको पसंद आती है ये रेसिपी, तो आप इसकी फोटो क्लिक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर से करें, जिसका आईडी है sonia_barton। वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं शेयर करती हूँ चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट। जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।